इधर सिक्किम में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ गए हैं और उत्तरी सिक्किम इस बरसात की वजह से तबाह हो गया है। सिक्किम के कुछ इलाकों में अभी भी कई पर्यटक फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने के लिए काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा भारतीय सेना भी बन गई है। भारतीय सेना ने फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने का जिम्मा उठा लिया है और कई लोगों को अब तक सुरक्षित बचाया भी जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पर्यटक ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने का, जिन्हें रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना इस वक्त लगातार जुटी हुई है और सिक्किम में जो लोग फंसे हुए थे, दरअसल बारिश हुई थी और इस बारिश के चलते मिट्टी दरक गई, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड के चलते बहुत सारे पर्यटक जो कि सिक्किम घूमने आए थे वहां पर फंस गए हैं। जैसे इस बात की सूचना भारतीय सेना को लगी, भारतीय सेना का बचाव दल मौके पर पहुंचा। हालांकि ऑलरेडी रेस्क्यू फोर्सेज वहां पर थी और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जो लोग फंसे हुए हैं पर्यटक, उनको बचाया जाए। काफी लोगों को बचा लिया गया है, काफी पर्यटकों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं इस लैंडस्लाइड के बीच में, इन पत्थरों के बीच में, इस मुसीबत में, उन्हें बचाने का काम अभी भी भारतीय सेना कर रही है। बाढ़ और बारिश ने इस वक्त सिक्किम में हालात खराब कर दिए हैं। 64 पर्यटक फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने का काम अभी भी जारी है, बल्कि 64 पर्यटकों को बचा लिया गया है। 64 टूरिस्ट ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं और अब सेना ने बीड़ा उठाया है कि इन लोगों को जल्द से जल्द बचाया जाए। आप हालात देखिए, इन दो तस्वीरों के जरिए सिक्किम में इस वक्त किस तरह के हालात बाढ़ बारिश ने कर दिए हैं वो आप इसको देखकर समझ पाएंगे। बारिश हुई जिससे मिट्टी कच्ची हुई, मिट्टी का कटाव हुआ और जो रास्ता है वो पूरी तरीके से लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो गया, जिसमें कई पर्यटक फंस गए थे। जो जहां था वहीं फंसा रह गया, मूवमेंट का बिल्कुल मौका नहीं था। इसके बाद लोकल फोर्सेस पहुंची, रेस्क्यू टीमें पहुंची और बाद में सेना ने भी इस अभियान को ज्वाइन कर लिया है और भारतीय सेना अब सिक्किम में फंसे, लैंडस्लाइड में फंसे इन लोगों को बचाने में जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कई पर्यटक हैं अभी भी फंसे हुए हैं, 70 से ज़्यादा पर्यटक, अभी जो अपडेट मिला है मुझे, 70 से ज़्यादा पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बाकी बचे लोगों को अभी भी बचाने का काम जारी है। दरअसल जो लैंडस्लाइड हुआ था ये 18 जून को हुआ था और उस दौरान कई पर्यटक थे जो कि फंस गए थे। लाचंग शहर इस लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन उस दिन जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, बचाया गया, उन पर्यटकों ने रेस्क्यू फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया है। हम यूपी से 12 तारीख को नाथ सिक्किम में घूमने आए, 12 तारीख को ही यहाँ पर रोड डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जब हम लौट रहे थे तो हमें आगे रास्ते से वापस लौटाकर गुरुद्वारे में होल्ड किया गया और वहीं पर हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई और उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोगों के लिए ये रोड वैकल्पिक रोड तैयार की गई है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और अब अपने अपने घर में जा रहे हैं। हम यूपी से 12 तारीख को नाथ सिक्किम में घूमने आए, 12 तारीख को ही यहाँ पर रोड डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जब हम लौट रहे थे तो हमें आगे रास्ते से वापस लौटाकर गुरुद्वारे में होल्ड किया गया और वहीं पर हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई और उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोगों के लिए ये रोड वैकल्पिक रोड तैयार की गई है, जिसकी वजह। और नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ सिक्किम ही नहीं, असम जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, पहाड़ी राज्य है, वहां पर भी इस बारिश ने कहर ढाया हुआ है, इस लैंडस्लाइड ने कहर ढाया हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं असम में जहां पर इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है, लोग फंसे हुए हैं और बाढ़ बारिश ने असम के कई इलाकों में लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है। देखिए असम से मेरे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट जो बता रही है इस वक्त की बाढ़ बारिश ने कैसे लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है असम में। हम अभी मौजूद है नेशनल हाईवे 37 में। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हाईवे है जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों को, गुवाहाटी के बाहर से जितने भी लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं हाईवे का नज़ारा, जो हाईवे है पानी के वजह से कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो गया है और पुल बनाया है सरकार ने ऊपर से, लेकिन नीचे जो है पूरा पानी के वजह से ये स्थिति है। असम फ्लड के वजह से जो है अब तक 26 लोगों की जो जान गई है और
एक लाख पचास हज़ार से अभी अधिक लोगों का जो है अभी तक डेथ हुआ है, तो स्थिति बहुत ही गंभीर है असम में। अन्य डिस्ट्रिक्टों में बहुत सारे रेड अलर्ट्स भी घोषित किया गया है, और जो सबसे जो हुजाई डिस्ट्रिक्ट है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है, इन सब एरियाज़ में जो है बहुत ही पानी है। और इसकी एक नमूना आप हमको दिखा रहे हैं कि एक गुवाहाटी के आउटस्कर्ट्स में जो ये हाईवे है, कैसे पानी जो है जम गया, लोगों को बहुत ही दिक्कतें आ रही है, यहाँ से लोग जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जाने के लिए इन लोगों को सोचना पड़ रहा है। तो यही स्थिति है अभी गुवाहाटी के इस एरिया में, जहाँ पे ये जो हाईवे है जो पानी की वजह से कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है, और लगातार जो बारिश चल रहा है 48 आवर्स में बारिश चल रहा है, और इसी के कारण जो है ये पानी पूरा यहाँ पे जम गया है। और ये एक नमूना है अन्य अन्य जगहों पे, असम के जगहों पे, हुजाई हो गया, करीमगंज हो गया, में बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित है बाढ़ के पानी की वजह से। और वेदर डिपार्टमेंट का फोरकास्ट है कि बारिश और होने वाली है, तो स्थिति और गंभीर हो सकता है। हालांकि NDRF और SDRF के जो फोर्सेज है वो काम कर रहे हैं 24/7, और ताकि ये जो है स्थिति जो है कंट्रोल कर सके, लेकिन फिर भी लोगों को है बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और हमें उसी का हम एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे असम में बाढ़ के वजह से हर साल जो लोग पीड़ित होते हैं, उसका एक नमूना है कि कैसे जो है आम जनता का जो जीवन है रुक जाता है।